नमस्कार, मैं प्रवीण बाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं भी प्रवीण बाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट CHSL 2019 वाले हैं, उनके दिमाग में इस समय तीन क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सभी का एग्जाम दोबारा होगा या सिर्फ उन बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या आपका एग्जाम सेंटर वही रहेगा या एग्जाम सेंटर आपका चेंज हो सकता है। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एक नोटिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नोटिस आपका SSC के द्वारा 19 तारीख को रिलीज किया गया, 20 तारीख और उससे आगे के एग्जाम को कैंसिल करने के रिगार्डिंग। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 20 तारीख से जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं CHSL के, वो सारे एग्जाम आपके नहीं होंगे। इस वजह से आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, वो तो आपको पता है कि कोरोना वायरस डिसीज जो इस समय हमारे इंडिया में चल रही है, उसकी वजह से ये सारे एग्जाम कैंसिल किए गए। इसी नोटिस में आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम आपका 30 तारीख को होने वाला था, वो भी आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। तो पहली चीज जो इस नोटिस से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी आपके एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा आगे के लिए, वो 31 तारीख के बाद ही सोचा जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक का तो नोटिस आपको दिया हुआ है। फिर अलावा मैंने आपको बताया कि CHSL 2018 वाले जो एस्पिरेंट हैं, उनका टाइपिंग आपका 4 से 12 अप्रैल तक होना है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सिचुएशन हमारी कंट्रोल में आएगी। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो ये एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन हो सकता है। अगर सारी सिचुएशन हमारे हाथ में रही, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, तो हम कह सकते हैं कि 4 से 12 अप्रैल तक आपका टाइपिंग होगा। अगर टाइपिंग होता है, उसके बाद में आपका जब एग्ज़ाम कराना है दोबारा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एडमिट कार्ड इशू करने हैं, एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करने हैं, तो इन सब में टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबल इसकी जो डेट हो सकती है, वो आपका मई में ही हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि मई से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो अगर सिचुएशन हमारे हाथ में रही, तो आपका एग्ज़ाम मई में हो सकता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी का एग्जाम दोबारा होगा या सिर्फ उन बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा जिनका एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है। तो जी हाँ, जिन बच्चों का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्जाम आपका दोबारा होगा। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, उन बच्चों का एग्जाम अब नहीं होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तीसरे क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका एग्जाम सेंटर चेंज होगा। जब आपका दोबारा एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो दोबारा एडमिट कार्ड इशू होंगे, एग्जाम सेंटर भी आपके दोबारा नए एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।